ये हो गया हमारा, अब चलते हैं ग्रियांस को खिलाते हैं कटोरी में लेके। नहीं खाएगा, देख लीजिए उसका नाटक। तो दादी लगते। अच्छा एक दिन है बस, फिर थोड़ा थोड़ा देर में दोस्ती हो जाएगा। तो लल्ला के सुन के आई जसोदा मैया दे दे बधाई। उसको लग रहा है कि दादी को पीट रही है ये। तो अभी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं। थोड़ा सब कोई बिजी चल रहा है, तो क्या स्नान नहीं किया है, तो इस टाइम में उसका खाने का टाइम होता है। स्नान कर लेता है, फिर उसको खाना खिला देते हैं, फिर सो जाता है। तो उसका खाना बना देते हैं जल्दी से। खाना तो बना ही है, बस उसको खाना खिला ही देते हैं। उसके बाद नहाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भूख तो लग गई होगी। है थोड़ा सा आलू का भुजिया ले लिए हम 3-4, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं है, बिना मिर्ची का बनाते हैं हम प्रियांश के लिए। अगर आलू का भुजिया बनता है तो कुछ आलू ले लेते हैं, और थोड़ा सा चावल और दाल। थोड़ा सा चावल, क्योंकि ज्यादा खाता नहीं वो, ये भी खाने में बहुत नाटक करता है, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा दाल हमने ले लिया है, और इसको अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। हमारा अब चलते हैं ग्रियांस को खिलाते हैं कटोरी में लेके। नहीं खाएगा, देख लीजिए उसका नाटक नाटक। किचन में दीदी की तरह आज ही क्लास काटते हुए तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। हम कैमरा उसी टाइम उठा दे रहे इस क्लास का, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जान के होता है, हो जाता है। हम आए थे अभी कुछ और शूट करने के लिए, कि आज है मदर्स डे, तुमको नहीं पता था ना। अब तो तुम इस बार तुम भी मम्मा बन गई क्रियांस की वजह से, थैंक्स टू क्रियांस। पहली बार तो नहीं है, पहली बार हम लोग का फर्स्ट है कि मम्मा बन गए, और बहुत खुशी की बात है क्रियांस की वजह से। और हमारी मम्मा तो है ही। और इधर देख सकते क्या बन रहा है, ये करेले का भुजिया, इधर आलू बॉईल हो रहा है, इधर दाल, इधर मिर्ची कट के रखा हुआ है। आज तो मम्मी भी आने वाली है ना, मम्मी पापा सब आने वाले हैं। अच्छा है, मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, सारी मम्मियाँ एक जगह रहेंगी। दो चार मारेंगी, चार जैसे, और कोई नहीं, मतलब दो माँ रहेंगी, दो उधर से, दो इधर से, चार है, चार मारेंगी। हाँ तब वो स्पेशल करेगा, लेकिन हम अपनी माओ के लिए करेंगे, वो अभी बहुत छोटा सा है। और यहाँ पे मैं बंद गोभी को काट रही हूँ, जिसको हम लोग बंधा गोभी भी कहते हैं। बचाने की कोशिश कर रहा है। जय अभी अभी एक दिन समय लगेगा दोस्ती। हाँ देख रहा है, दादी को भी देख रहा है क्रियांश। स्टिंग दीजिएगा ना, तो सबको दीजिएगा। स्टिंग बहुत पसंद। दादी लगते। अच्छा एक दिन है बस, फिर थोड़ा थोड़ा देर में दोस्ती हो जाएगा। पता है मम्मी, कल माँ रो रही थी, हम सोचे काहे रो रही है, बोता भोरे भोर सुबह सुबह जाता है नीचे, तो माँ दूध तैयार करके रखती है, अब माँ दे नहीं पाए तो माँ रोए।
तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 2 और हमारी मम्मी सबको इनवाइट कर रही हैं, जो जो बचे हुए हैं सबको इनवाइट कर रही हैं। हमारी माँ पूजा कर रही हैं अभी जस्ट, अभी हमने सब कुछ कर लिया, सारा काम खत्म हो गया और मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाऊंगी। और पतिदेव चले गए, जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है, जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता। और मम्मी पोते के जोगवाड़ी में बैठी हुई है, सबको कॉल भी मिला रही है जो जो बचे हुए हैं। मैं जल्दी से चलती हूँ नहाने, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। दीदी कहेंगे कि नाइटी गर्म क्या, आप एसी में भी आपको गर्म लगता है? पहले तो नहीं याद होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्रियांश को लेकर के मम्मी अपने ड्यूटी पे है, तो मम्मी कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा पोता का जन्मदिन है, हम नहीं आ पा रहे थे तो बहुत ही परेशान थे, एक टिकट मेरा कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा टिकट कटाया गया, फिर दोबारा बना टिकट, जबरदस्ती हमारे बेटा का टिकट कटा दिया बेटा, तो हम अपना खुशी से आ गए। आना ही पड़ता है, देखिए नहीं आते तो हम तो बहुत दुखी रहते उस रोज। कोई बात नहीं, मम्मी आ गई और घर में मम्मी के आते ही पूरी रौनक छा गई है और धीरे धीरे सब आते रहेंगे। और क्रियांश जब मम्मी आई थी तो उस टाइम गोदी में देख रहा था कि ऐसे करेगी कौन है, नहीं मम्मी वो देख रहा था ध्यान से, बाबा को जाते हमको कम। जन्म में भी आई आप, छठी में थी ही उसी टाइम, और बर्थडे में खुशी का माहौल, उस टाइम तो काम कर रहे। अब अगला मुंडन करेंगे पोता के, उसमें भी आ जाएंगे। भगवान करे, पोता तो मेरा ही है। पोता तो है ही आपका, उसमें कोई शक थोड़ी है। हमें कोई चीज भगवान दया, एक नतनी नहीं हुई उसके लिए दुख है, बाकी सब कुछ है, पोता पोती नाती सब चीज। कैसा लग रहा है दादी आई? हाँ कैसा लग रहा है बताओ, और सबको बोलो जो जो अभी तक नहीं आए हो सब आ जाओ मेरे बर्थडे में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, बोलो सबको ही आ जाओ, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ के बोलो सबको, बोलो मुझे सबको ही आशीर्वाद देने आ जाओ सबको, जय। अब सब आ जाइए, क्योंकि प्यास रिक्वेस्ट कर रहा है सबसे, जो भी बचे हैं सबको आ जाइए। जाओ दादी शाह, चलो दादी जा रही है अपना पोता के लेके। क्रियांश बाय बाय, क्रियांश बाय 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 बाय, कर दो कर दो करता है, बाय क्रियांश, करो तो दूर से दादी मेरी आई है। बोलो मैं तो लल्ला के सुन के आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। बाय क्रियांश बाय, बोलो बाबू दादी को पीट रही है ये, नहीं मार रहे बेटा, देख भी रहा है लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मार दो तेरा दादी, नहीं 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 मार रहे, नहीं मार रहे, पैर दबा रहे बेटा, दादी को दर्द है ना कमर में। नहीं 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 क्या? हाँ दादी से इसको इतना प्यार है, इतना प्यार है, समझ गए। सॉरी दादी, सॉरी ना, सॉरी मार तो था दादी, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और कल से हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आएंगे, हमारे साथ के क्रिएटर बहुत सारे आएंगे, मैंने तो सबको इनवाइट किया है। अब देखते हैं कौन कौन आता है क्रियांश के बर्थडे में, क्रियांश को आशीर्वाद देने के लिए, जिनको भी खुशी होगी वो जरूर आएंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस व्लॉग को और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।